हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम विजय बागड़े जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे एक, मैं कह सकता हूँ, अच्छी खासी विंटेज गेम है 1851 की, उस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था। फ्रेंड्स, गेम खेली गई थी हेनरी बर्ड और बेनहार्ड हॉविट्स के बीच में। फ्रेंड्स, गेम वाकई में कमाल की है। जिस तरह से गेम खेली गई है, काफी हद तक तो यही समझ में नहीं आता कि आखिर जीतने कौन वाला है इस गेम। और इसी तरह की गेम्स में कुछ ज्यादा मजा भी आता है। तो चलिए गेम को शुरू करते हैं। हेनरी बर्ड ने यहाँ शुरू किया E4 के साथ, तो E5 यहाँ बेनार्ड हॉरविट्स ने शुरू किया। Nf3, Nc6, Bb5, रॉय लोपेज ओपनिंग, देन हुआ Nf6, D4, और अब यहाँ क्या किया जाए। ये मूव थोड़ा अनयूजुअल है। क्या यहाँ A6 किया जा सकता है? अगर ऐसा होता है तो बिशप टेक C6, डी टेक C6 होने के बाद नाइट टेक C5, और एक पॉन का एडवांटेज मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर मिल सकता है। फिलहाल नॉट एग्जैक्टली गेम एक मोर और लेस इक्वली रहेगी, क्या नाइट टेक्स D4, लेकिन यहाँ पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया। नाइट टेक्स D4 होने के बाद हुआ ई टेक्स D4, देन हुआ E5, नाइट पर अटैक बना, और ब्लैक की पोजिशन यहाँ शुरुआत से ही थोड़ी सी मैं कहूंगा स्टेबल नहीं रहने वाली है। देन नाइट गया D5 स्क्वायर पर, और इसके बाद व्हाइट ने सबसे पहला काम कैसल करने के किया, सेफ्टी फर्स्ट। बिशप गया C5 स्क्वायर पर, देन हुआ C6, तो A6 बिशप पर अटैक बना, ये बिशप गया C4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस नाइट माइट भी F7 स्क्वायर तक अटैक बना, लेकिन नाइट पहले गया B6 स्क्वायर पर, और इसके बाद हुआ बिशप पर अटैक था तो बिशप गया B3 स्क्वायर पर। देन डी टेक्स C3, नाइट टेक्स C3, और अच्छी खासी डेवलपमेंट यहाँ व्हाइट अचीव कर चुका है। और इसके बाद यहाँ ब्लैक ने कैसल किया, नाइट गया E4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स नाइट के E4 स्क्वायर पर जाने के बाद यहाँ बिशप पर तो क्लियरली अटैक बन ही रहा है, और अब ये बिशप कहाँ जाए? आइदर वापस E7 स्क्वायर पर, वही एक स्क्वायर मुझे ज्यादा बेटर लगता है। खैर, यहाँ क्वीन E7 ब्लैक ने किया, और क्या अब यहाँ नाइट टेक C5, क्वीन टेक C5, गेम बहुत हद तक सिंपल इस तरह से चलती है। अगर यहाँ से इस तरह से गेम आगे बढ़ती, बिशप E4 स्क्वायर पर जा सकता था, E3 स्क्वायर पर सॉरी, लेकिन यहाँ हुआ था क्वीन H5, और फ्रेंड्स क्वीन के H5 स्क्वायर पर आने के बाद थोड़े पोटेंशियल चांसेस दिखने लगे हैं। यहाँ व्हाइट क्या थ्रेट दे रहा है, माइट भी यहाँ एक चेक देने के बाद, पर क्वीन यहाँ इस F6 स्क्वायर पर आ जाएगी, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। हाँ, लेकिन व्हाइट अपने बिशप को जरूर डेवलप कर सकता है, पर ब्लैक ने यहाँ पहले किया D6, ताकि क्वीन के लिए जितने कम से कम हो सके उतने कम स्क्वायर यहाँ अवेलेबल रहे। और अब ई टेक्स D6 की ऑप्शन बुरी नहीं थी, क्वीन टेक्स बिशप टेक्स D6 होता, नाइट टेक्स D6, देन इस तरह से गेम आगे बढ़ सकती थी, लेकिन यहाँ हुआ बिशप G5, क्वीन पर अटैक बना, और अपना एक पॉन यहाँ व्हाइट ने जानबूझकर सेक्रीफाइस कर दिया है, क्वीन टेक्स C5। और इस सेक्रीफाइस के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वीन अनडिफेंडेड है, फिलहाल बिशप पिन हो चुका है, और व्हाइट यहाँ अगले मूव में, खैर व्हाइट का ये नाइट भी अनडिफेंडेड है, तो व्हाइट ने यहाँ पहले अपने रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया, और अगले मूव में थ्रेड दिए चेक देने के साथ यहाँ पर इस क्वीन पर अटैक बनाने की। तो अभी मैं कह सकता हूँ इस एच पॉन को आगे पुश नहीं किया जा सकता। तो अब यहाँ ब्लैक क्या करे? आई थिंक क्वीन F5 की ऑप्शन यहाँ सबसे बेहतरीन अवेलेबल ऑप्शन में से एक हो सकती थी, लेकिन यहाँ नाइट D5 को ऑप्ट किया पहले यहाँ बेनहार्ट, और उनके इरादे क्या हैं लगभग इसी तरह से ये गेम खेली गई थी, मैं उसमें क्या एक्सप्लेन करूं। यहाँ हुआ था नाइट टेक C5, और यहाँ डिस्कवर्ड अटैक बना पहले इस क्वीन पर, और क्वीन इस नाइट को नहीं ले सकता क्योंकि उसका खुद का अपना नाइट यहाँ आ चुका है बीच में, तो नाइट गया F6 स्क्वायर पर। बेनहार्ट का नाइट यहाँ व्हाइट की क्वीन पर अटैक बनाने पहुंचा है, और जैसा मैंने पहले कहा कि बिशप टेक्स नाइट नहीं हो सकता क्योंकि वो यहाँ पिन है, क्वीन अनडिफेंडेड है, तो क्वीन गई H6 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक C5, और ऐसा करने के बाद यहाँ ब्लैक के लिए एक ओपन किंग सिचुएशन आ चुकी है। बिशप टेक्स F6, जी टेक्स F6 होने के बाद अब यहाँ G5 तो सेमी ओपन व्हाइट को मिल गई, और एक अच्छा खासा एडवांटेज इस पॉइंट पर मैं इसे कह सकता हूँ। क्या अब यहाँ क्वीन टेक्स F6 मेरे हिसाब से तो सबसे पहली ऑप्शन थी, लेकिन ये पॉन जाने वाला कहाँ है, कहीं भी नहीं जाने वाला, तो इसीलिए शायद व्हाइट ने अपने रुक को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन हुआ बिशप F5, और अगर व्हाइट यहाँ किसी भी तरह से आइदर क्वीन या रुक जिससे भी चेक देगा तो ब्लैक यहाँ अपने बिशप को वापस इस G6 स्क्वायर पर ला सकता है। तो यहाँ पर हेनरी बर्ड ने पहले किया क्वीन टेक्स F6, देन बिशप G6, ऑल इज वेल फॉर व्हाइट, जितनी ओपन पोजिशन यहाँ थी वो अब उसके मैं कहूंगा एवरेज आउट हो चुकी है। अब व्हाइट यहाँ
क्या ऑप्शन ऑप्ट कर सकता है। मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन मूव जो लगता है मुझे व्हाइट के लिए वो यहाँ अपने रुक्स की बैटरी तैयार करने का है। दिस वॉज द बेस्ट ऑप्शन और रुक सीधा सेवंथ रैंक में जा सकते हैं। बिशप और आप यहाँ देख सकते हैं कि क्वीन एक ऐसे स्क्वायर पर है तो बहुत अच्छा खासा गेम प्ले यहाँ से बन सकता था, लेकिन रुक को G3 स्क्वायर पर हेनरी बर्ड ने पहले रखा। क्वीन गई E5 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर क्वीन एक्सचेंज, लेकिन क्वीन एक्सचेंज अभी यहाँ व्हाइट अगर करता है तो उसको क्लियरली यहाँ लॉस होने वाला है। तो क्वीन यहाँ व्हाइट ने रखी H4 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन टेक्स B2। क्वीन टेक्स B2 फ्रेंड्स मेरे लिए थोड़ा सा रिस्की मूव है। क्यों रिस्की है? क्योंकि यहाँ व्हाइट चाहता तो अपनी क्वीन को B4 स्क्वायर पर लेकर जा सकता था और थ्रेट देता कि अपने बिशप से डिस्कवर्ड चेक बनाकर ब्लैक की क्वीन को लेने का। अगर यहां से ये गेम आगे बढ़ती तो किंग H8 स्क्वायर पर पहले लेना पड़ता ब्लैक को और उसके बाद क्वीन टेक्स B7 और पॉन एक्सचेंज बिल्कुल इक्वल रहता। लेकिन यहाँ इस गेम में अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ व्हाइट ने किया था F4। मुझे ऐसा लगा कि शायद ही प्रीमेच्योर मूव है। मैं यहाँ प्रीमेच्योर मूव इस मूव को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वीन D4 चेक और इस चेक देने के साथ फिर दोबारा वही पॉन पिन हो चुका है। तो किंग गया H1 स्क्वायर पर, व्हाइट यहाँ थ्रेट दे रहा है इस एफ पॉन को आगे पुश करके बिशप को लेने के, लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले ही इस एफ पॉन को पिन कर दिया है। तो रुक एट ए गोज टू D8, ब्लैक का मूव आया और फ्रेंड्स ब्लैक का ये मूव काफी डेडली होने वाला है और खासकर कुछ इस तरह के अटैक्स में। सेकंड रैंक में रुक आराम से जा सकता है। खैर क्वीन गई G5 स्क्वायर पर और यहाँ थ्रेट किस प्रकार की आ रही है, थ्रेट आ रही है इस एफ पॉन को आगे पुश करने की। और फ्रेंड्स मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और जरा ब्लैक के लिए कोई डेडली मूव अगर आपको नजर आ रहा है तो जरा उसे ढूंढने की कोशिश करें, और अगर नहीं नजर आ रहा है तो आपको मैं हिंट दे देता हूँ, यहाँ बैक रैंक चेकमेट का खतरा है। और इसी बात को देखते हुए हॉविट्स ने यहाँ किया क्वीन F2। कैन यू इमेजिन इट? कम से कम यहाँ रुक टेक्स क्वीन नहीं हो सकता, अदरवाइज रुक E1 चेक और ये मेट होगी। मैं करके दिखा देता हूँ, रुक टेक्स F2 नॉट इन ऑप्शन बिकॉज ऑफ रुक E1 चेक एंड दैट्स अ मेट। तो मैं चलता हूँ दो मूव पहले, यहाँ व्हाइट ने किया या करना ही पड़ा रुक F3, और रुक के F3 स्क्वायर पर जाने के बाद अब क्वीन पर थोड़ा सीरियस अटैक है। और अब ये क्वीन कहाँ जाए, क्योंकि व्हाइट की थ्रेट है इस एफ पॉन को आगे पुश करके बिशप को लेने की। तो यहाँ हॉविट्स ने अपनी क्वीन को रखा D2 स्क्वायर पर, फिर दोबारा यहाँ इस क्वीन को इस पॉन को पिन रखा, तो हुआ H4। ठीक है, एफ पॉन से नहीं मानता है बिशप तो इस एफ पॉन से ही सही। C6, देन अब क्या किया जाए, व्हाट अबाउट दिस रुक D1। अभी इस तरह के मूव मेरे ख्याल से ठीक नहीं है खेलने, पर इतने बुरे भी नहीं है क्योंकि यहाँ ज्यादा से ज्यादा ब्लैक क्या करेगा, रुक E1 चेक करेगा, रुक टेक C1 फोर्सफुली करना पड़ेगा, रुक टेक क्वीन टेक C1 चेक होने के बाद किंग H2 स्क्वायर पर चला जाएगा और उसके बाद यहाँ व्हाइट चाहे अपने किसी भी पॉन को आगे पुश कर ले, बिशप यहाँ ट्रैप होता हुआ नजर आ ही रहा। लेकिन यहाँ हुआ था H5, बिशप पर अटैक बना। और फ्रेंड्स गेम मैं ये नहीं कहूंगा व्हाइट के फेवर में, गेम में दोनों ही ऑप्शंस बहुत गजब की है, ब्लैक की भी ऑप्शंस बहुत कमाल की है और व्हाइट की भी। और जिस तरह से यहाँ आपको नजर आ रहा है, क्या आपको कोई ऐसा मूव ब्लैक के लिए नजर आ रहा है जिससे वो एक ही झटके में सिचुएशन से बाहर निकल जाए? फ्रेंड्स यहाँ हॉविट्स ने किया था रुक E5 और उन्होंने यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनाया और इस F4 पॉन के पिन होने का पूरा फायदा उठाया। क्योंकि अगर यहाँ F टेक C5 मान लेते हैं व्हाइट करता है तो क्वीन टेक C5 होगा डिफ्लेक्शन। तो बिशप टेक्स F7 चेक, यहाँ हेनरी बर्ड ने कमाल का मेथड निकाला मैटेरियल एक्सचेंज को अपने फेवर में कन्वर्ट करने का। और फ्रेंड्स इस बिशप टेक्स F7 चेक को एक हिंट मानते हुए आप यहाँ कैलकुलेट करेंगे किस तरह का बेनिफिट यहाँ व्हाइट उठा सकता है। कंप्लीट बेनिफिट नहीं है, लेकिन फिर भी इस सिचुएशन के हिसाब से वो मुझे बेस्ट मूव है। रुक टेक्स F7 करना ही पड़ा, बिशप मूव हो नहीं सकता था। देन क्वीन D8 चेक, रुक बीच में लग गया, चेक खत्म हो गई। अब क्या किया जाए, अब प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन यहाँ हेनरी बर्ड ने किया क्वीन टेक्स F8 चेक, किंग टेक्स F8 होने के बाद अपनी क्वीन को देने के बाद एक रुक लिया और अब F टेक G5 चेक करके डिस्कवर्ड चेक यहाँ दूसरे रुक से दिया। तो किंग गया G7 स्क्वायर पर और उसके बाद हुआ H टेक्स G6। बिशप का डिलेड एक्सचेंज जो अब से 3 या 4 मूव पहले अपना बिशप सेक्रीफाइस यहाँ व्हाइट ने किया था वो उन्होंने ब्यास समय तो वापस ले लिया, मैं इस वर्ड का यूज कर सकता हूँ। खैर अब सिचुएशन हम देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ क्वीन के सामने कह लेते हैं 2 रुक्स आ गए, एक दो मैं कहूंगा यहाँ पर नॉट एग्जैक्टली 3 या 4, ये दोनों पॉन्स मेरे ख्याल से ब्लैक नहीं बचा पाएगा। तो पॉन्स चलिए 2 मूव के बाद देखते हैं। यहाँ अगर मान लेते हैं ब्लैक H टेक G6 को भी ऑप्ट करेगा तो रुक F7 चेक होगा, किंग
पैटर्न वो होता ही है यहाँ इस पोजिशन से, क्योंकि जिस तरह से गेम आगे बढ़ी थी तो ठीक था। जी टेक्स ई टेक्स डी सिक्स होता तो क्विन टेक्स डी सेवन, रुक टेक्स बी सेवन चेक होता, और दो पॉन्स के सामने तीन पॉन्स, कुछ इस तरह की सिचुएशन बन सकती थी। और सी फाइल में पासर वो भी क्विन के साथ, तो बड़ा मुश्किल होता है यहाँ से इसको रोकना। खैर यहाँ हुआ था डी टेक्स सी फाइल, ई और सी फाइल में बहुत स्ट्रांग पासर यहाँ ब्लैक ने क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन जी टेक्स एच सेवन होने के बाद किंग टेक्स एच सेवन, और यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि कुछ रिपीटेड चेक्स की ऑप्शन नजर आ रही है मुझे ब्लैक के लिए। खैर किंग गया एच टू स्क्वायर पर, दैट्स इट। नाउ व्हाट अबाउट दिस क्वीन टेक्स ए टू, मेरे ख्याल से ठीक मूव था। अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो रुक एफ सेवन चेक, किंग जी एट स्क्वायर पर, रुक टेक्स बी सेवन, तीन पॉन्स पर रोकना दो रुक्स के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता मुझे ऐसा लगता है। खैर यहाँ हुआ था ई फोर, थोड़ी सी जल्दबाजी मुझे ऐसा लगा कि इस पॉन के प्रमोशन में, क्यों रुक एच थ्री चेक, किंग जी सिक्स स्क्वायर पर, रुक जी थ्री चेक, किंग एच सेवन स्क्वायर पर, देन रुक एफ सेवन चेक, किंग एच सिक्स स्क्वायर पर, और उसके बाद हुआ रुक एफ सिक्स चेक। बेस्ट मूव जो यहां पर बनता है वो है इस किंग को वापस एच सेवन स्क्वायर पर लेकर जाने का। यहां मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि गेम में यहां जो कुछ भी हुआ था वो सारा कुछ व्हाइट के फेवर में कन्वर्ट हुआ यहां से। यहाँ ब्लैक ने किया किंग एच फाइव, और ऐसा करने के बाद रुक एफ ए, ब्लैक अपने प्लान्स पे बिल्कुल सही है। बेनार्ड ने यहाँ अपनी क्वीन को डी फोर स्क्वायर पर प्लेस करके यहाँ इस रुक से चेक को आने ही नहीं दिया, वन डी फोर बेस्ट मूव। लेकिन इसके बावजूद भी हेनरी बर्ड ने यहाँ पहले किया रुक एच एट चेक, और ये उससे भी बेहतरीन मूव है। क्यों, क्वीन टेक्स एच एट होने के बाद रुक एच थ्री चेक आया, किंग जी फाइव स्क्वायर पर, देन रुक टेक्स एच एट, क्वीन यहाँ ब्लैक के हाथों से निकल चुकी है, और अब एक रुक और सामने बचे हैं तीन कनेक्टेड पासर्स, नॉट एग्जैक्टली सॉरी, चार पॉन्स हैं जिसमें से तीन पासर्स। किंग एफ फोर यहाँ पर वाइट का, ब्लैक का मूव है, देन हुआ रुक एफ एट चेक, किंग गया ई थ्री स्क्वायर पर, देन मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर वाइट इस जी पॉन को ही आगे पुश कर देता तो यहीं डिबेट खत्म थी। क्यों, इनको डी थ्री स्क्वायर पर लेकर जाएगा, उसके बाद जी फाइव, और दोनों पॉन्स लगभग लगभग साथ ही प्रमोट होंगे, और इस ई पॉन को रोकना मेरे ख्याल से व्हाइट के लिए विद रुक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला काम नहीं होता। लेकिन यहाँ किंग को जी थ्री स्क्वायर पर पहले व्हाइट ने लिया, इसके बाद हुआ सी फाइव, रुक गया बी एट स्क्वायर पर, अटैकिंग दैट बी सेवन पॉन, तो बी फाइव ठीक है, रुक बी सिक्स स्क्वायर पर, ए सिक्स पॉन पर अटैक है, तो सी फोर, जरूरत नहीं उन पॉन्स का ध्यान देने की, अपने पॉन्स को आगे। रुक टेक्स ए सिक्स, देन हुआ सी थ्री, तो रुक गया सी सिक्स स्क्वायर पर, कम से कम अब ये पॉन और आगे नहीं बढ़ जा सकता। तो ब्लैक ने यहाँ अपने किंग को मूव किया डी टू स्क्वायर पर, देन हुआ किंग एफ फोर, और यहाँ इस एफ ओ सॉरी ई फोर पॉन को लेने की तैयारी, और एक बार इन दोनों पॉन्स में से कोई भी एक पॉन अगर ब्लैक के हाथों से निकला तो ब्लैक को यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। क्या यहाँ ब्लैक किंग को डी थ्री स्क्वायर पर ले जाने की ऑप्शन को कंसिडर कर सकता है, नहीं, रुक डी सिक्स चेक होगा, किंग सी फोर स्क्वायर पर, देन किंग टेक सी फोर हो जाएगा, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। तो यहां पर खैर ब्लैक ने अपने इस ई पॉन को ही आगे पुश किया, देन हुआ रुक डी सिक्स चेक, किंग गया ई टू स्क्वायर पर, और अब कहीं जाकर हेनरी बर्ड ने अपने जी पॉन को आगे पुश किया जो काफी आगे जा पहले बढ़ाया जा सकता था, किंग गया एफ टू स्क्वायर पर, देन हुआ रुक एच सिक्स, और फ्रेंड्स ये विजनरी मूव है। रुक एच सिक्स क्यों, आप यहां देखिए कि आखिर ब्लैक करने क्या वाला है। ई टू यहाँ पहले ब्लैक ने किया तो हुआ रुक ई टू चेक, किंग के लिए एकमात्र स्क्वायर बचा है एफ वन, और इसके बाद किंग गया एफ थ्री स्क्वायर पर, और अगले मूव में क्या तैयारी है, ब्लैक चाहे अपने क्वीन प्रमोट कर सकता है लेकिन यहाँ अब व्हाइट थ्रेट दे रहा होगा अपने रुक से चेक मेट की। तो अब बेनहार्ट के लिए बहुत मैं कहूंगा यहाँ पर डिफिकल्ट डिसीजन, उन्होंने यहाँ किया ई वन प्रमोट किया पॉन को, लेकिन नाइट में अंडर प्रमोशन एक चेक के साथ, और इस गेम में फाइट में बने रहने की कोशिश की। एक चेक तो आई, किंग गया ई थ्री स्क्वायर पर, लेकिन फ्रेंड्स अब मेरे ख्याल से अब ज्यादा मूव नहीं थे। क्या यहाँ इस सी पॉन को भी आगे पुश करा जा सकता था, अगर करा भी जाता तो क्या होता, रुक से इसी पॉन को यहाँ एलिमिनेट कर दिया, नाइट लिया, चलिए देखते हैं गेम में क्या होता, वही ज्यादा बढ़िया। यहाँ हुआ था नाइट जी टू चेक, और फ्रेंड्स आई थिंक इसी मूव पर रिजाइन कर देना चाहिए था, क्योंकि रुक टेक जी टू ऑब्वियस मूव, किंग टेक जी टू होने के बाद हुआ जी फाइव, और अब ब्लैक कम से कम इस पॉन को नहीं रोक सकता। हाँ व्हाइट का किंग इतने नजदीक पहुंच चुका है इस सी पासर के
कि वो अपने किंग के दम पर ही रोक सकता है। b4 यहाँ ब्लैक का मूव आया तो किंग गया d3 स्क्वायर पर, और यहाँ इस मूव के बाद बेनहार्ड हॉविट्स ने रिजाइन कर दिया। और फ्रेंड्स आई थिंक रेजिग्नेशन का रीजन मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स बहुत कमाल की गेम है विजय बागडे जी की बताई हुई ये, और मुझे पूरी उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये गेम और मेरी प्रेजेंटेशन जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।